सिटी होम न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया राजपूत। इलेक्शन कमीशन ने 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का जो है ऐलान कर दिया है, चुनाव की तारीख ऐलान कर दी है। जानकारी दे दें कि 15 राज्यों में 56 राज्यसभा सीटों पर जो है इलेक्शन होंगे, उसी को लेकर तारीख जो है अनाउंस कर दिया है। 27 फरवरी को जो है इलेक्शन होंगे। तो जानकारी दे दें आपको कि 27 फरवरी को चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने बताया कि इन 56 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल अप्रैल 2024 में खत्म होना है। इन पर 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। तो 56 सीटों में से सबसे ज्यादा 10 उत्तर प्रदेश की हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, बिहार की 6-6 सीटें हैं, जबकि मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल की 5-5 सीटें हैं। कर्नाटक और गुजरात की 4-4 राज्यसभा सीटों पर भी 27 फरवरी को मतदान होगा। इसके अलावा तेलंगाना, राजस्थान और उड़ीसा की 3-3 सीटों पर मतदान होगा। तो इसके अलावा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल की 1-1 सीट पर मतदान होगा। राज्यसभा की 56 सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होगी और इसी दिन नतीजे आएंगे। चुनाव के लिए आयोग 8 फरवरी को अधिसूचना जारी करेगा। नामांकन की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। नामांकन पत्रों की जांच की तारीख 16 फरवरी है। वहीं उम्मीदवार 20 फरवरी तक नाम वापस ले सकेंगे। तो वहीं चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव का ऐलान ऐसे वक्त पर किया जब पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव को काफी अहम माना जा रहा है। इन 56 सीटों पर चुनाव के बाद संसद के उच्च सदन की सियासी तस्वीर जो है बदल जाएगी। सो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने 56 राज्यसभा सीटों पर जो है चुनाव का ऐलान कर दिया। 27 फरवरी को जो है मतदान होगा।